तेजस्वी यादव ने कहा, शहीद के परिजनों से मुलाकात करने जा रहा हूं। चीन के मसले पर कहा, हमारी पार्टी सेना के साथ है। वहीं उन्होंने कहा, उत्तर बिहार खतरे में है। जल जमाव के कारण सभी जिला मुख्यालय के लोग परेशान हैं। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाए गए, कहीं का नहीं हुआ। वहीं सृजन घोटाले पर कहा, सृजन घोटाला 3300 करोड़ का है, सरकार संरक्षण देती है, निष्पक्ष जाँच हो। उस अधिकारी को भी जो है सरकार ने भगा देने का काम किया, बचाने का काम किया, सब कुछ जानते हुए भी। तो लगातार घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। घोटाले में क्या होता है, जवाब क्या आता है सरकार का? चूहा बांध काट गई, तो चूहा बांध कट गई, ये शराबों चूहा पूछ जाती है, तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता। इसमें पैसा नुकसान जो है, देश बिहार की जनता जो है वो टैक्स पे करके सरकार को देती है, जनता का पैसा का पूरा लूट मचा हुआ है। और आज जनता पूछ रही है कि भाई मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा, इतने घोटाले हुए। तो और लगातार ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता लगातार कायम है सत्ता में, जिस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो आग्रह करेंगे CBI ED से। हम लोगों ने तो मांग भी की थी विधानसभा में, सबूत भी पेश किया था, सदन पे पटल पे रखा था, सारा खाता दे दिया था। और सरकार को जो पहले से पूर्व में संज्ञान था 2008 से, लेकिन इस पे क्या कार्रवाई हुई? सरकार की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया, ना खंडन आया। सरकार ने हमारे पेपर को झूठा भी नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं ये सच्चा डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पेश किया था। तो जनता तो हिसाब मांग रही है कि हमारे पैसे का रिकवरी कैसे होगा, बताएं नीतीश कुमार जी। घोटाले में जो अधिकारी है उनके ऊपर जांच की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं नीतीश को बैकफुट पे, क्योंकि चुनाव होने हैं। आप देखिए, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो घोटाला किया है इसके तार बड़े लंबे हैं, और बड़ी बड़ी मछलियों को जो है बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, और इसमें ज्यादा कोई माथा पर्ची नहीं लगाना। बल्कि जो जांच अधिकारी जिसको भेजा भी गया तुरंत आनन फानन में, जैसा कि नीतीश कुमार जी का, बिहार के CM का कहना था कि हमें संज्ञान में आया। संज्ञान में कब आया? 2017 में आया। हमारे पास तो CAG का रिपोर्ट है 2008 का, RBI की चिट्ठी है कि फर्जी तरीके से सृजन जो है अपना बैंक चला रही है, आय से अधिक आर्थिक अपराध शाखा में जो जयश्री ठाकुर जो थे अधिकारी, उसको कौन बचाया? लगातार एक ही पद पे एक ही जगह कैसे वो कायम थे, जिनका बड़ा हिस्सा सृजन के खाते में था? ये अद्भुत घोटाला, यानी सरकार के खजाना जो है, सरकार के खजाने में जो रखने जो ट्रेजरी है, वहाँ खजाना नहीं था, सृजन के खाते में पूरा सरकार का खजाना था। सरकार को जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो सृजन के खाते से लिया करके जो है लैंड एक्विजिशन का काम करती थी। ये तो अद्भुत है, यानी सरकार का पैसा सरकार के पास नहीं, एक निजी NGO के पास था। उसने जो है बिल्डरों को, किन किन लोगों को दे रखा था, तो इस पे जो है जवाब देना चाहिए।